नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं अखिलेश तिवारी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से मैं रूबरू कराता हूं। मैं अभी कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के अवरिया ग्राम में उपस्थित हूं, जहां पे रोड को लेकर के काफी समस्या बनी हुई है। जैसे लोगों का कहना है कि रोड में गड्ढे हो गए हैं, जिससे काफी समस्याएं होती हैं। काफी दिन से ये जर्जर स्थिति है, जिसे लोगों को सामना करना पड़ता है। जैसे मौके पे आइए, यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि क्या है आपकी समस्या। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। कितने दिनों से हो रही है? काफी दिनों से है, 5-6 महीने से भी अधिक हो चुका है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि इसको मतलब किस मतलब उद्देश्य से ये बनना चाहिए, इसके लिए कहीं आप लोग अपने बात रखे हैं? कई बार रखे सब, हम लोग तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारा नाम है पंटू चौबे और ये जीटी रोड से लेकर के दुर्गावती जीटी रोड से लेकर के अवरिया गांव तक ये रोड है, जो कि काफी सालों से जो है कि इस रोड की स्थिति बहुत खराब है। और इस रोड के बारे में नेता एमपी एमएलए विधायक जितने भी सब लोग हैं, सबको सूचना दिया गया है। और सब लोग हमारे विधायक भी इसी रास्ते से, इसी रोड से कई बार इस गाँव में विजिट करने के लिए आए हैं, और उनको बताया भी गया है कि आप देखिए इस रोड की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन पता नहीं इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कितना दिन पहले ये रोड बना था? और ये रोड को बने कितना दिन हो गया जी? लगभग 10 साल से ऊपर हो गया। और मैं विधायक जी के घर भी जाकर कहा था, विधायक जी देखिए हमारे रोड की स्थिति बहुत खराब है, इसको बनवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि बनेगा। पता नहीं कब बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या ये इस समय जो सरकार की व्यवस्था है उससे आप लोग नाराज़ हैं? हम लोगों की जो सरकार की जो व्यवस्था है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों के गांव में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि हम लोग इस सरकार से संतुष्ट। हम लोगों का गांव में आने के लिए जीटी रोड से ये रोड है, इसी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि इससे इसी रोड से मुखिया, ग्राम सेवक, विधायक, एमपी एमएलए सब आ चुके हैं। यहाँ के मुखिया कौन है? है। और हमारे यहाँ सबसे बहुत बड़ी बात है कि महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जो कि संत श्री शिरोमणि हमारे भलारी बाबा जी महाराज जी के द्वारा महायज्ञ का आयोजन हुआ है, जो कि 14 मई 2020 को होने वाला है। लेकिन हम सोचते हैं हम लोग कि हमारे रोड की व्यवस्था तब तक से एकदम बिल्कुल सुदृढ़ हो जाए। और ग्रामीण जनता का आप इनसे मिलिए, आप भी कुछ बताइए क्या रोड के बारे में करना चाहते हैं। वही समस्या जो आप बोल रहे हैं वही समस्या है। रोड देखिए, ये 10 साल से बन गया है सर, लेकिन इस पर कोई का ध्यान नहीं है। हर लोग आते हैं, हर लोग जाते हैं, लेकिन कहने पर लोग क्या कहते हैं, वोट जब आता है तो घबराइए जी, हर काम हो जाएगा, आपका रोड बन जाएगा, आपको एक काम हो जाएगा, आपका वो काम हो जाएगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई का नेता लोग सुन नहीं रहे हैं। जब चुनाव आता है तो खाली सुनते हैं, और चुनाव जब बीत जाता है तब बोलते हैं साला छोड़ो, ये सब कुत्ते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अभी तो चुनाव आया हुआ है क्या? इसीलिए तो दौड़ रहे हैं लोग पर, भैया हमारा सीट आ रहा है, हम ये सीट से आ रहे हैं, वो सीट से आ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। जब काम लेके हम लोग जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है, कोई विधायक नहीं सुनता है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है। मेरे साथ एक यहाँ पे महिला भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या है, क्या है आपकी राय, क्या इस पे कही? भैया ये कुछ देखा रोड का बात होते बात ना, कॉलोनी बनत बा ना, सुविधा कृषि बनत बा ना, कुछ खाली जे अपन देहे बाटे थे अपने खाली द्वारा खरीदे ला, गरीबन खातिर नहीं क्या। वोट के बेर में सबका बच्चा का ना आया था, एक तरीके में तो कुछो का नावे नहीं थे। और रोड यहाँ से सही बात था, खराब बात है, कहा हमने क्या मिला था, गरीब आदमी दाम तक बाहर में बगल। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? कुछ नहीं, बस काट कर देते थे, लिख के जाता लिखा था, सरवन सब पर दबा खाई, अपने पेट खाने के सब लोग पर आया, हमारे खाने तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता है रोड की समस्या को लेकर के अपनी बात रखी है, और जो यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं भी दिख रही हैं, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रहा है। ऐसी बात है कि हमारे गांव बहुत भारू जग का आयोजन किया गया है,
कितनी लोग का यहाँ व्यवस्था किया गया है, 7 दिन का यज्ञ है। इस यज्ञ में हमारे बिहार का, हमारे बिहार का हम सहयोग में है। हमारा गांव में आए हैं फलाहारी महाराज, बहुत दूर दूर से गए हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करने के, 2 करोड़ तक है यहाँ खर्च, लेकिन कोई ध्यान नहीं है सबका, कोई का रोड नहीं।